हमारे नगर लखनादौन में 11 अगस्त 2017 को चुनाव प्रारंभ हुए। चुनाव में बड़े बड़े धुरंधर के बीच एक निर्दलीय प्रत्याशी का चेहरा उभर कर आया, जिसका नाम था अधिवक्ता प्रदीप राजपूत। अधिवक्ता प्रदीप राजपूत वार्ड क्रमांक 4 से पार्षद पद के लिए चुने गए और नगर अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी श्री जितेंद्र राय जी को चुना गया। श्री जितेंद्र राय जी के नेतृत्व एवं निर्देशों की पालना करते हुए शिवाजी वार्ड क्रमांक 4 के पार्षद अधिवक्ता प्रदीप राजपूत द्वारा वार्ड में विकास की नींव रखी गई। इससे पहले वार्ड के लोग अनेकों समस्याओं का सामना विगत वर्षों से कर रहे थे। किसी के पास पीने का पानी नहीं, तो किसी के पास रहने को मकान नहीं और ना ही किसी के पास रोजगार। बस उम्मीदों के सहारे जी रहे थे लोग। लेकिन अधिवक्ता प्रदीप राजपूत ने अध्यक्ष श्री जितेंद्र जी के नेतृत्व में उन्हें समस्याओं से अवगत कराया और उनके कुशल मार्गदर्शन में अपने किए गए वादों को पूरा करने की प्रतिज्ञा की और इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को सच में बदल दिया, लोगों की समस्याओं का समाधान कराया। शिवाजी वार्ड क्रमांक 4 में 11 अगस्त 2018 को एक साल पूरे हो रहे हैं। इससे एक साल में हमारे अध्यक्ष श्री जितेंद्र राय पप्पू भैया के द्वारा वार्ड क्रमांक 4 में विकास के लिए काफ़ी सहयोग दिया गया। आज उन्हीं के सहयोग के कारण हम वार्ड क्रमांक 4 में खम्भे लगवा पाए हैं, पानी की व्यवस्था करवा पाए हैं, नई रोडों की व्यवस्था करवा पाए हैं, नाली निर्माण करवा पाए हैं और आने वाले समय में भी पप्पू भैया के नेतृत्व में विकास के कार्य हम करते रहेंगे और मैं भी इस वार्ड के लिए जो होगा वो करूँगा। वार्ड क्रमांक 4 में हम माननीय अध्यक्ष महोदय पप्पू भैया जब से बने हैं तब से इस मोहल्ले का काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा। हमारे पार्षद प्रदीप राजपूत द्वारा इस मोहल्ले में लाइट लगवाई गई जो आज तक अब लगी नहीं थी और इस मोहल्ले में डस्ट वगैरह भी डलवा दिए जो बरसात में बहुत कीचड़ टाइप हो रहा था, हम 2-4 साल से देख रहे थे। लेकिन इस साल जब से पार्षद बने आज से 3-5 वर्षीय पहले से कोई विकास नहीं था। जिस दिन से पप्पू राय भैया जी आए अध्यक्ष बने, हमारे श्री माननीय पार्षद जी पिंटी राजपूत द्वारा अपने वार्ड की स्वच्छता में और विकास की ओर बहुत बहुत से आगे कार्य चल रहा। अध्यक्ष जी ने अच्छा काम करवाया है वार्ड में और पार्षद जी ने भी अच्छा काम करवाया है। जो कि अध्यक्ष हैं और हमारे इधर के वार्ड नवरांग 4 के प्रदीप राजपूत जी पार्षद हैं, उनके द्वारा पट्टे के आधार पर बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। वार्ड नंबर 4 में अच्छे विकास हो रहे हैं, पक्के मकान बन रहे हैं, बिजली आ गई है और रोड बन रही है, पट्टे के नाम आ गए हैं, पट्टे बन रहे हैं और भी बनने वाले हैं। पप्पू भैया और पिंटी भैया आए हैं, जब से साफ सफाई अच्छा हो रहा है, कार्य अच्छा हो रहा है, विकास और पक्के मकान बन रहे हैं। इनके द्वारा कराए गए कार्य कुछ इस प्रकार हैं। शिवाजी वार्ड क्रमांक 4 में नई पाइप लाइन डलवाकर पेयजल की समस्या का समाधान कराया गया। शिवाजी वार्ड क्रमांक 4 में श्री राकेश अहिरवार के घर के सामने नई नाली का निर्माण कराया गया। इसके पहले इस नाली का पूरा पानी रोड पर आता था, जिससे लोगों के आवागमन में असुविधा होती थी एवं झारिया सर के मकान के सामने से लेकर भूरा रिक्शा वाले के मकान तक 80 फीट नाली निर्माण एवं नीलम राय के मकान के बाजू से लगभग 40 फीट नाली का निर्माण कराया गया। शिवाजी वार्ड क्रमांक 4 कॉलेज के पास कई वर्षों से जमे अतिक्रमण को हटाकर सहकारी सोसाइटी समिति के पास WBM रोड निर्माण, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के पास राहुल जैसवाल के मकान से लेकर घनसौर रोड एवं पटवारी दीपक चौकसे के मकान से घनसौर रोड तक WBM रोड निर्माण, स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए वार्ड में अध्यक्ष श्री
जितेंद्र राय जी के नेतृत्व में सफाई अभियान करवाया जाता है एवं कचरे वाली गाड़ी के लिए लोगों को जागरूक किया गया। शिवाजी वार्ड क्रमांक 4 में मिनी कैंप लगाकर 500 से 600 लोगों का श्रमिक पंजीयन कराया। वार्ड में लगभग 40 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया। शिवाजी वार्ड क्रमांक 4 में 2,00,000 की सहायता मध्य प्रदेश शासन की योजना के अनुरूप स्वर्गीय सरपंच रिक्शे वाला और स्वर्गीय श्याम चौरे के परिवार को नगर परिषद द्वारा दिलवाई गई। शिवाजी वार्ड क्रमांक 4 मिशन टोरिया में एक ही बिजली के पोल से लगभग 40 से 45 कनेक्शन थे, उन्हें हटाकर 3 नवीन पोलों की स्वीकृति कर नए कनेक्शन प्रदान कर प्रकाश की व्यवस्था की गई। इस कार्य में नगर अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वार्ड में इनके द्वारा लोगों को नवीन आवासीय भूमि पट्टों के लिए सर्वे कर पट्टे प्रदान करवाए गए। जिन लोगों की भूमि विवादित है उन्हें आवासीय भूमि पट्टों के लिए आने वाले समय में माननीय उच्च न्यायालय से जनहित याचिका दायर करवाई जाएगी। इसकी तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। प्रदीप राजपूत द्वारा विधायक योगेंद्र सिंह बाबा से निवेदन कर मिशन टोरिया पर एक रंगमंच और आदिवासी शमशान के निर्माण कार्य के लिए उपरोक्त राशि स्वीकृत कराई गई, जिसमें नगर अध्यक्ष श्री जितेंद्र राय की अहम भूमिका रही। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शिवाजी वार्ड क्रमांक 4 में जगह जगह सफाई व्यवस्था कर कचरा पात्र रखवाए गए और साथ ही कचरे वाली गाड़ी जो नगर परिषद अध्यक्ष जितेंद्र राय जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी उसे वार्ड भ्रमण के लिए भेजा जा रहा है। शिवाजी वार्ड क्रमांक 4 में आंगनबाड़ी के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर शिविर लगाकर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाया गया। प्रदीप राजपूत जी ने वार्ड भारत के प्रति अपनी जवाबदारी को समझा और विकास के कार्य करवाए। ये एक वर्षों से नगर अध्यक्ष श्री जितेंद्र राय जी के नेतृत्व में विकास के कार्य कर रहे हैं और भविष्य में भी लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। आपके अपने अधिवक्ता प्रदीप राजपूत, शिवाजी वार्ड क्रमांक 4, लखनादौन, जिला सिवनी। इन सभी कार्य को करवाने में अध्यक्ष श्री जितेंद्र जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सभी नगरवासियों एवं वार्ड वासियों को प्रदीप राजपूत एवं जितेंद्र राय जी की ओर से 15 अगस्त एवं रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।